हम राम जी के वंश हैं जी। इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, वहां राम जी का मंदिर है। पूरे वर्ल्ड के राम जी है, हिंदुओं के नहीं, मुस्लिमों के राम है। किसने बोला राम के नहीं, राम मंदिर? मोदी के सिवा किसी की औकात नहीं बनाने की। जितनी टिप्पणी करो मोदी की बुराई करो, उतना मोदी चमके। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और पॉलिटिकल पंचायत के साथ सवाई सिंह खारीवेली। आज हम जोधपुर लोकसभा में खड़े हैं और यहाँ के लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार बनने वाली है। भाजपा की बात करें तो भाजपा से गजेंद्र सिंह शेखावत चुनावी मैदान में है और कांग्रेस से करण सिंह हुशियार है। अब की बार कौन बाजी मारेगा, किसका तख्ता पलट होगा, ये राजनीति का पूरा सक्रिय देखने के लिए आप पॉलिटिकल पंचायत से जरूर जुड़े। केड़ो कहीं माहौल है धमाकेदार, किन्ने पक्ष में? मोदी जी। मोदी जी क्यों पसंद? हमें मोदी जी पसंद है, ये दुनिया को पसंद है, पूरे वर्ल्ड को पसंद है। राहुल गांधी, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मोदी जी बॉस। राहुल गांधी बारे में टिप्पणी नहीं करते सर, हमें को मोदी पसंद है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, पूरे भारत ने जोड़ी है, वहां थे टिप्पणी नहीं करो। भारत को तोड़ा उस समय किसने देखा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो तोड़ा था, जोड़ा नहीं था। कितने लाख हिंदू मरे थे, पूरा इतिहास उठाओ तो पता चलता, दर्द होता है। पाकिस्तान से ट्रेन भर के आई ना लाशों की, वो जोड़ा नहीं, तोड़ा था। अगर भारत अखंड होता ना, अमेरिका यहाँ नौकरी करने आता। आपको नहीं लगता कि भारत जुड़ा हुआ था तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली? वो उनकी मर्जी सर। क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी? धमाकेदार, 400 पार, कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस तो कहते हैं 250 पे अटक गए। हम कांग्रेस की टिप्पणी नहीं करते, हम मोदी भगत हैं, ओनली फॉर मोदी। करण सिंह जी कहते हैं 5 महीने में नहर ले आऊंगा, नहर। अरे यार, देशाध्यक्षों के 100 साल होने वाले, नहर आई नहीं, अब करण सिंह ले आएंगे, कुछ नहीं होता सर। चांद तक जाने के लिए सोने की सीढ़ियां, राउंड खप गया तब भी नहीं हुआ। वो नहीं बना सकते, डायलॉग से नहीं होता सर, जमीन पे काम करना पड़ता है। अब रोड़े देखो, फौज का सिस्टम देखो, मैं फौजी की औलाद हूँ। पाकिस्तान की टाट तोड़ते हैं ना तो दुनिया कंपती है, धड़धड़ धड़धड़ कंपती है। चीन वाला आंख देखकर तो आंख घुस गई अंदर उसकी, मोदी से, मोदी वर्ल्ड लीडर है सर। ऑस्ट्रेलिया में बोलना मोदी इज बॉस, मोदी इज बॉस, कोई नहीं हरा सकता सर। नहीं लगता कांग्रेस कह रही है 370 और राम मंदिर, ये तो कोई मुद्दे ही नहीं है। अरे हम राम जी के वंश हैं जी। इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, वहां राम जी का मंदिर है। पूरे वर्ल्ड के राम जी है, हिंदुओं के नहीं, मुस्लिमों के राम है। किसने बोला राम के नहीं, राम मंदिर? मोदी के सिवा किसी की औकात नहीं बनाने की। जोधपुर में अपना मोदी, बस बात खत्म। काम काज कैसे? गजेंद्र सिंह बेस्ट कहते हैं, जल शक्ति मंत्री होते हुए भी आज भी स्थानीय लोकसभा की जनता पानी के लिए प्यासी। वो बॉस शेरगढ़ का मंत्री नहीं था, पूरे भारत का मंत्री था। पूरा भारत देखना पड़ता है, एक घर नहीं देखना पड़ता है, पूरे भारत का देखना पड़ता है। भारत का मंत्री था, चामू का मंत्री नहीं था, शेरगढ़ का मंत्री नहीं था, जोधपुर का मंत्री नहीं था, सबको देखना पड़ता है। वो काली जोधपुर को देगा, फिर उसको भारत का मंत्री कौन बनेगा सर? मंत्री के लिए सबको एक साथ रखना पड़ता है। क्या लग रहा है इस बार? धमाकेदार है सर, जीत के बाद एंट्री लेना मेरा वापिस, मोदी 400 पार। अच्छा, कांग्रेस के कद्दावर नेता और इस बार प्रत्याशी भी है करण सिंह हुशियारा, उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा ये तो चाय वाला है, टपोरी है, कुछ नहीं, ऐसे भाषण देता है। अमेरिका कंपति है मोदी से, उनको पता नहीं, करने से कुछ नहीं होता है। और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मोदी को लेकर एक टिप्पणी की कि मोदी बाड़मेर में आए और हमारे रामदेव जी को कश्मीर लेके चले गए। जितनी टिप्पणी करो मोदी की बुराई करो, उतना मोदी चमके। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? अपने उंडकाई में। मोदी ने तो कश्मीर बता। अरे देखो सर, नहीं तो कुछ बता सके, मोदी को मत मारो यार, इतना मत उजला हो गया। मोदी मोदी देश का प्रधानमंत्री है और हमारे दिल में रहता है, यहाँ रहता है। राम जी के बाद मोदी रहता है, मोदी रहता है। इतने मोदी भक्त हो? कट्टर भक्त है, गौ माता के सेवक है, खुद गौशाला चलाता हूं मेरी पर्सनल। तो कहते हैं कि अगर मोदी इस बार प्रधानमंत्री बन गया, देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में। कैसे होगा? खतरे मोदी में। जितना मात्र भगत, मोदी जितना देश भगत, पूरे वर्ल्ड में नहीं आएगा। महाराणा प्रताप जब धरती माँ के लिए लड़े थे ना, दुनिया उनकी भी कटवा की थी, आज उनको मानते हैं। वो मात्र भगत थे, धरती माँ के भगत थे, और मोदी भी धरती माँ का भगत है। कहते हैं वापस है वो राजतंत्र शुरू हो जाएगा अगर मोदी प्रधानमंत्री। कुछ नहीं है, जो बाबा साहब का संविधान है वही चलेगा। ये दुनिया की उल्टी पुल्टी बातों से कुछ नहीं होता है, मोदी इज बेस्ट। राजस्थान में आप 25 में से कितने सीटें आंकलन? वो इतना मैं किसान आदमी, मेरे को पता नहीं। अपने तो सीट पे दिल्ली पे तो मोदी बैठेगा, दिल्ली पे तो मोदी बैठेगा, बैठेगा सर। मैं इतना साइंटिस्ट नहीं हूँ कि मेरे को पास इतना जन नॉलेज है। बैठेगा तो मोदी, बैठेगा मोदी, मोदी और 400 पार पक्का पक्का, कोई रोक नहीं सकता। बोले मेरा इंटरव्यू लेना जीत के बाद, मोदी इज बेस्ट। पूरे वर्ल्ड में अगर शांति चाहिए, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में शांति चाहिए, मोदी चाहिए दिल्ली की गद्दी के ऊपर।
मोदी से दुनिया कंपती है, थर थर कंपती है। मोदी अपनी जनता को सबसे पहले रखता है और अपने देश को पहले रखता है और राष्ट्र को पहले रखता है और अपने हर इंसान को अपने घर जैसा समझता है। ऐसा नेता मैंने आज तक नहीं देखा। क्या माहौल है आपकी बार? माहौल तो मोदी में है। मोदी क्यों? मोदी देखो, मोदी मोदी है। क्या मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। अब बात करें धरातल की, हाँ जी, तो गजेंद्र सिंह जी के कैसे काम काज हैं? नहीं, गजेंद्र सिंह के तो जैसे शुरुआत में तो 5 साल थे, अब के जैसे ये जो नेक्स्ट 2019 से जो अभी तक का कार्यकाल रहा था, इसमें गवर्नमेंट कांग्रेस बीच में आ गई, सेंट्रल से तो बहुत पैसा आया, जल जीवन योजना है ना, इसमें 40,000 करोड़ वहां से सेक्शन हुए है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अभी इसमें गजेंद्र सिंह की तो कोई वो नहीं, सिर्फ 7,000 करोड़ ही पैसे यूज हुए तरातल पे, 33,000 करोड़ अभी भी अपने अकाउंट में पड़े हैं राजस्थान के फेवर हुए। अच्छा। पर गवर्नमेंट तीन थी, अगर जैसे ये 40,000 करोड़ अपने यहाँ धरातल पे यूज हो जाते तो वाह वाही किसको मिलती भाई, गजेंद्र सिंह के खाते में जाती, सरकार कांग्रेस की थी, इसलिए देख लो फील आ गए हमके लोकसभा ना होना रहा है, लोकसभा हमारी बात ना कहरो का ही पक्ष मजबूत आ गयो नेता जी, लोकसभा रो पक्ष बीजेपी रो मजबूत है। बीजेपी क्यों? कांग्रेस को? कांग्रेस मोड़ा। कांग्रेस हर बार भाजपा माता आरोप लगा रही है कि भगवान राम का मंदिर धारा 370 हटा दे तो भाजपा के पास चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा है नहीं। नहीं, गलत है। श्री राम 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 जिन्हे राम निकल गयो वो राम री आलोचना करे, अब कहे ना पर मारवाड़ी के चाहे राम निकल गयो तो राम सबके लिए, राम राम एक रो नहीं है, इनारू राम सबके लिए। राम मंदिर कई वर्षों से कांग्रेस वाला 56 साल तक राज करियो, मगर कांग्रेस वाला कुछ नहीं कहो, राम मंदिर करता रिया, 370 धारा लागू है जूरा की, और कोई मतलब जातिवाद फैलायो और फूट डालो राज करियो और भ्रष्टाचार फैलायो कांग्रेस और कुछ नहीं करियो। करण सिंह जी हर बार कह रहा है कि गज्जू बंदा 10,000 में नया नहीं लाया, मैं 2 महीने पाए नया ठोका की लागे ले आई। देखो वो जादू कोनी, जादू है कोनी। आज मोदी जी ने 10 साल के अंदर भारत को वो तरक्की करके बता दी कि दूसरा देश जो अमरीका है, रूस है, बहुत जिन्हें कहने बिट्टा पावर है, बेबी है, दंड हो गया भारत हो। क्या वास्तव में कोई भारत रो प्रधानमंत्री और भारत में कोई शासन है? इन आज कोई विकास में कोई कमी नहीं है,